कि ये जो इसका टैंक है देखो दब गया है, ये लेग गार्ड ने ना इसको जब पीछे गया तो इसने टैंक में टक्कर मार दी। ये मेरी टांग से ये दबाई है। ओ भाई साहब पावरफुल टांग है शुभम की। Well, hello you guys and welcome back to my channel once again. स्वागत है आप सभी का बिल्कुल फ्रेश नए व्लॉग में। तो बढ़िया धूप निकल चुकी है सुबह की, देख रहे हो आप। अभी पिछले कुछ दिनों में मनाली में ना बहुत ही बढ़िया स्नोफॉल हुआ है, तो उसकी वजह से ना थोड़ी ठंड यहाँ ज़्यादा बढ़ गई थी, बट आज अच्छी धूप निकली है तो आई थिंक जो ठंड जो आई थी ना मस्त सी वो खत्म सी हो जाएगी। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक बहुत ही मस्त सी हमारी एक्सेसरी आ गई है ताबड़तोड़, जिसका मैं पिछले 8 महीने से इंतजार कर रहा था। ये अपनी होंडा CV500X के लिए, बट इसको हम एक सेपरेट व्लॉग में आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज के व्लॉग में यार हम चलेंगे होंडा के सर्विस सेंटर। और वो इसलिए हमने देखा आपको पता चली गया होगा यार, शुभम की जो बाइक है उसका एक्सीडेंट हो गया और ठीक ठाक एक्सीडेंट हो गया। हालांकि शुभम को कुछ भी नहीं हुआ, ही इज ऑल सेफ। उसका फोन आया कि दीप भाई मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, अगर आपको आना है तो आ जाओ, आप भी देख लेना बाइक, कुछ आपको लगे कुछ और ठीक कराने की जरूरत है। तो मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ, बस 10 बजने वाला है, ब्रेकफास्ट करते हैं उसका सीधा निकलते हैं होंडा सर्विस सेंटर के लिए। सर्दियों में यार इतनी तरह की साग सब्जियां आ जाती है ना, मस्त मजे आते हैं खाने में। मेथी का साग, भतुए का साग, यानी कौन कौन से साग। तो अपन जल्दी से नाश्ता करते हैं, टाइम होने वाला है 10, जल्दी जल्दी खाते हैं। और आज अपन हाईनेस से चलेंगे। देखो कोई पेंट किया है, पेंट ही गिरा दिया पूरी सीट पे। लोग यार बिल्कुल ध्यान नहीं देते किसी की बाइक। चलो यहाँ तो लेमिनेशन रखा, गंदी हो गई यार बाइक, लेकिन साफ करने का टाइम नहीं बचा मेरे पास। 10 बजे पहुँचना है, 10 बजने वाला है। तो आज हम लोग बहुत दिनों बाद शुभम बाबू से मिलेंगे। वो अपनी गली से निकल रहा था तो एक दूसरी छोटी सी उसकी बाइक की टक्कर हो गई। तो आज वो बाइक एक्चुअली डालने आ रहा सर्विस सेंटर में, जो भी रिपेयर उसको कराना है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है क्या हुआ, और इसी बहाने शुभम से भी मिल लेंगे। बहुत टाइम हो गया शुभम से नहीं मिले। जो लोग मतलब मेरे वीडियोज रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा हम लोग बहुत राइड लगाए हैं साथ। वो आजकल बिजी हो गया पढ़ाई वढ़ाई में। लास्ट राइड आई थिंक हम लोगों ने पिछले जनवरी में लगाई थी कश्मीर की, जो हम लोग गुलमर्ग गए थे। तब यार रोड बनाते हैं बाद में, पता है लोगों की भी बहुत बड़ी गलती है यार। गवर्नमेंट रोड बना के जाती, लोग अपने पर्सनल कामों के लिए ना कहीं इधर गड्ढा खोद दिया, कहीं इधर गड्ढा खोद दिया। यार मतलब लोगों को भी सोचना चाहिए यार, कितना रिसोर्स, कितना एफर्ट, कितना पैसा लगता है रोड बनाने में। और एक और पता नहीं क्या हैबिट है शहर के लोगों की, रोज अपनी गाड़ियां धोते हैं। रोज गाड़ी धोगे तो एक तो पानी वेस्ट होगा, ऊपर से सड़क पे पूरा पानी फैला देते हैं तो रोड भी खराब हो जाती है। ये सब चीजें मतलब गुड़गांव जैसे शहर में यार इतनी पढ़ी लिखी सोसाइटी है तो भाई यहाँ क्या कर दिया, यहाँ तो रोड ही नहीं छोड़ी है कुछ भी यार। थोड़ा लोगों को यार थोड़ा सोचना चाहिए। चला के भी पूरे मजे आ जाते हैं। वेन्यू का ढक्कन खुल गया भैया। चलो भाई अपन होंडा के सर्विस सेंटर तो पहुंच गए, शुभम भी आ गया। ओह शुभम ऑलरेडी आ रखा है भाई। और भाई देख लो इस लड़के को 1 साल बाद चलो सही है। तो ये खड़ी शुभम की बाइक, मैंने सोचा आपको दिखा दें। जल्दी से पहले आपको ये बताते हैं कि क्या क्या हुआ, फिर शुभम से पूछेंगे क्या क्या डैमेज हुआ बाइक में। छोटा डैमेज ये है कि ये जो इसका रिंग है हेडलैम्प का वो टूट गया है, ये जो रिफ्लेक्टर से होते हैं ये टूट गया है, जो लेग गार्ड है वो देखो ऐसे टेढ़े से पीछे चला गया, बेंड हो गया है, क्रैश गार्ड जिसको बोलते हैं, हॉर्न जो है टूट गया, साथ ही साथ इसका जो कवर है ना क्रोम कवर जैसा इस तरफ लगा देखो ये कवर भी टूट गया है, टैंक में यहाँ स्क्रैच आ गया है, ये स्क्रैच आ गया है, ये टेढ़ा हो गया, ये टूट गया, एंड बार बार एंड क्लच लीवर टेढ़ा हो गया, रियर व्यू मिरर टूट गया क्योंकि लेफ्ट साइड को बाइक गिरी थी तो पूरा डैमेज लेफ्ट साइड में ही है, और टैंक थोड़ा सा दब भी गया है। और उसके अलावा ये मेरी टांग से ये दबाई है। ओ भाई साहब पावरफुल टांग है शुभम की। ये देखो बाइक उस तरफ गिरी बट इसके पैर से ये दब गया थोड़ा सा, आपको समझ आ रहा होगा। हाँ यहाँ से दिख रहा होगा, ये जब ऐसे देखोगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से टैंक में जो है डेंट आ गया, अंदर की तरफ दब गया। इधर से हुआ ना, इधर से इंपैक्ट हुआ तो इधर से प्रेशर आया, पूरा दब गया टैंक। तो इस तरफ कुछ नहीं हुआ, बस ये टैंक दब गया है, लेकिन उस तरफ पूरा डैमेज है क्योंकि बाइक गिरी उस तरफ थी। और तो कुछ हुआ नहीं, बाकी ठीक ठाक है, बाकी स्क्रैचेस वगैरह तो लग ही जाते हैं थोड़े बहुत। अच्छा ये जो इसका टैंक है देखो दब गया है, ये लेग गार्ड ने ना इसको जब पीछे गया तो इसने टैंक में टक्कर मार दी, तो ये जो फिटिंग है ना टैंक की ये देखो ये यहाँ से दब गई है। एक और चीज हो गई, इसका जो हैंडल बार है वो टेढ़ा हो गया। जब आप ऐसे बैठोगे, अभी हैंडल बाइक अभी सीधी चल रही है जब हैंडल ऐसा टेढ़ा करना पड़ रहा है, तो ये भी चेंज होगा हैंडल बार, और शायद कुछ अलाइनमेंट में कुछ दिक्कत होगी तो वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो काफ़ी खर्चा हो गया। इसका जो टैंक है ना ये 15,000 रुपये का आता है अगर आप नया लगवाओगे तो। इंश्योरेंस क्लेम कर रहा है शुभम, क्योंकि इंश्योरेंस लेने में फ़ायदा रहेगा, अदरवाइज टैंक वैंक ठीक करने में तो बहुत पैसा लग जाएगा। अब शुभम ये बताओ
पहले तो थे कहाँ तुम इतने दिनों? कुछ नहीं, बस कॉलेज वाले, पढ़ाई लिखाई में। वो तो चलो कॉलेज ही शुरू हुआ था, नया नया कांड हो गया। नया कैसे तुमने, और शुभम ने जिस स्कूटी से इसकी टक्कर हुई ना, वो हीरो की एथर की एथर 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 की थी, उसकी तो धज्जियां उड़ा दी शुभम ने। उसकी भी फोटोज फोटोज हैं ना, तो वो डाल देना। चलो मैं भी, आप देखो फोटोज दिखाते हैं आपको, तो उसकी पूरी धज्जियां उड़ गई। जो हिसाब से होंडा की बिल्ड क्वालिटी यार वो अच्छी है, होंडा में कुछ नहीं हुआ खास, एक तरफ को गिरी तो थोड़ा बहुत चोट तो आई है, बट वो स्कूटी खत्म हो गई। तुम क्या मतलब अपनी गली में निकल रहे थे, वहाँ टक्कर हो गई? घर से 100 मीटर दूरी होगा, तो ऐसे जैसे जा रहा था मैं, तो मैं यू टर्न लेके आया, मतलब जैसे मेन रोड से मैं घुस रहा था, तो अब वो वहाँ से छपड़ी राइडर आया और वो स्कूटी उसकी नहीं थी। अच्छा, स्कूटी थी एक पापा के फ्रेंड है, उनकी दुकान है पेस्ट्री पैलेस करके, उनकी स्कूटी थी। तो वो दुकान पे काम करने वाला लड़का था। अच्छा अच्छा, तो वो तो स्कूटी रॉकेट की तरह भगाते तेज चला रहा होगा, और बैटरी वाली एथर तो वैसे भी बहुत तेज चलती है। हाँ, बैटरी बाइक्स थोड़ा तेज चलती है। गली में सर्विस लेन में आया, होगा 40-50 की स्पीड पे, और सीधा आके वो यहाँ इसमें घुसा। अच्छा, मतलब सीधा यहाँ टक्कर, मतलब उसका फ्रंट तुम्हारे यहाँ लगा के है, थोड़ा सा भी 4-5 ओए होए होए पैर में, सही में यार ये तो दिक्कत हो जाती है। तो वो इसमें घुसा और फिर क्या कहते हैं, बाइक तो मेरे नीचे से निकल गई, तो मैं तो इधर ही जहाँ ठुका वही गिर गया। अच्छा, इस तरफ को है, बाइक ऐसे हैंडल टेढ़ा हो गया, ऐसे आगे जाके थोड़ा जाके गिर गई, मतलब ठीक ठाक एक्सीडेंट हो गया। अच्छी बात यह है कि शुभम को कुछ नहीं हुआ, बाइक तो ठीक हो जाएगी, शुभम बिल्कुल बच गया साफ साफ। वो हल्का सा यहाँ पे स्क्रैच आया था, हाँ, जैकेट की जिप से ही गिर गया। अच्छा, तो वैसे कोई बाकी कोई दिक्कत नहीं हुई, बाइक तो ठीक करवा लेंगे, तो ये हो जाता है, बट ठीक है अभी क्लेम में हमने डाल दिया है, और एक हफ्ता शायद उन्होंने बोला है ना, एक हफ्ता दे देंगे, क्योंकि अभी इंश्योरेंस एजेंट आएगा, वो अप्रूव करेगा क्लेम को, उसके बाद फिर ठीक होगी, फिर पेंट टेंट होगा, टैंक जब ठीक हो जाएगा या नया लगेगा जो भी होगा, तो फिर बाइक में रिपेयर होगा। अभी तो रिपेयर चार्जेस भी कम नहीं है, 7-8 हज़ार होंडा लेता है, नया डलवाओगे आप तो 15 हज़ार का टैंक, खुद से कराते तो इसमें 10 हज़ार का खर्चा था तुम्हारा, 10-12 हज़ार का। अभी क्या है, फाइल चार्जेस और थोड़ा बहुत जो कंज्यूमेबल पार्ट्स हैं, प्लास्टिक प्लास्टिक वाला, ये सब देके हो जाएगा, तो ठीक ठाक डैमेज है एक साइड में, बट सही हो जाएगी। बस अभी मैंने बाइक बाहर निकलवा ली थी थोड़ा आपको वीडियो दिखाने के लिए, देख रहा हूँ ऑलरेडी 3rd नंबर लगा हुआ है इसमें क्लेम में, तो अब सुबह में इसको डाल आएगा, ठीक हो जाएगी हाईनेस, फिर राइड भी चलोगे ना जब ठीक हो जाएगी। वो नाराज हो गई, ज्यादा दिन चलाते नहीं, इसलिए कह रही मैं गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी अगर नहीं चला। चलो सही है, तो अपना यहाँ का काम तो हो गया, शुभम की बाइक पड़ गई, अब आई गए तो चाय पी लेते हैं शुभम बाबू, है ना? मैं आपको पंप लाया। अच्छा, पंप लिया है वो, तुम इसको वो क्लच लिया लीवर? हाँ, दे दो दे दो दे दो, क्लच लीवर शुभम के पास ऑलरेडी पड़े हैं, तो वो हम अपने लगा देंगे। तो भाई यहाँ का काम हो गया पूरा, शुभम बाबू की बाइक छिन चुकी है, तो इनको हम छोड़ देते हैं मेट्रो स्टेशन पे। निकाल लो भाई, निकाल लो, जल्दी निकाल लो अंकल जी, हर हर के शंभू। अब मेरी ऐसी आदत लग गई है कि मैं हाईनेस पे भी जो गियर है ना पीछे वाला, वो यूज ही नहीं करता, आगे वाले से ही ऊपर नीचे करता हूँ वो वाली बाइक चला चला के। लेकिन सिटी में हाईनेस बहुत कंफर्टेबल है यार। हाँ, ये तो है, स्कूटी से ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, जैसे दो लोग बैठे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है कि पावर में कोई दिक्कत है। इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन। चलो फिर शुभम भाई, ये मिलना अगले हफ्ते आओगे फिर बाइक उठाने? चलो ठीक है। अच्छा हाँ, वो दे दो, मेरा जो है एयर पंप शुभम के पास था। देखना बस पीछे आ रही है, क्या कर रहा है ये। ठीक है फिर, है बाय 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 बाय। अरे कोई ना, एक हफ्ता लगभग लगेगा बाइक में, पहले जो है उसका वो आएगा फील्ड, जो सर्वेयर होता है वो सर्वे करेगा अगर इंश्योरेंस कंपनी वाला, फिर वो क्लेम पास करेगा, उसके बाद ही काम होना स्टार्ट होगा। तो चूंकि आज सैटरडे है, वीकेंड है, तो आज उसके आने के चांसेस कम है, कल तो संडे ही है, तो वो मंडे आके सर्वे करेगा, तो फिर मंडे शाम से या ट्यूसडे स्टार्ट होगा काम, तो एक हफ्ता लगेगा, फ्राइडे सैटरडे तक मिल पाएगी बाइक। वीकेंड पे भी इतनी भीड़ रहने लग गई ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आजकल मैं ना अपनी बाइकों से माइलेज निकाल रहा हूँ थोड़ा मैं ना बड़ा थोड़ा प्यार प्यार से चलाता हूँ, बीच बीच में मेरे अंदर एकदम से राइडर वाला कीड़ा आ जाता है, फिर मैं तेज कर देता हूँ, फिर अचानक मेरे को याद आता है ओहो माइलेज निकालना है भाई, तो फिर प्यार प्यार से चलाता हूँ पैसा बचाओ पैसा बचाओ। और सुनाओ भाई लोग कैसे हो, लाइफ अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है? बोलना पड़ेगा भाई, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ, मजे करते रहो पूरे। तो भाई ये तो मानना पड़ेगा होंडा की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, आपने फोटो देख ली, मतलब कह सकते हो कि इसका कुछ गया नहीं, उसका कुछ स्कूटी का कुछ बचा नहीं। ये देखो मेरा ट्रिप ए का माइलेज 31.2 कर रखा है मैंने अभी, ट्रिप ए मतलब मैंने अभी जब पेट्रोल लास्ट भराया था तब जीरो कर दिया था, आई थिंक उसके बाद से 25-30 किलोमीटर चला ली मैंने सिटी के अंदर, बड़े 31-31 का माइलेज दे रही, प्यार से चलाता हूँ, जब तेज भगाने लगता हूँ तभी ये घट के 28 हो जाता है।
बचा के अंकल जी, ये भी इंश्योरेंस की फाइल खुल जाएगी आपकी। हाईवे पकड़ते हैं, हाईवे NH8। एक जमाना था यार ये NH8 इतना अच्छा हुआ कर सकता था ना, मजे आते थे इस पे बाइक और गाड़ी चलाने में। अभी क्या है, एक तो भीड़ बहुत बढ़ गई है और रोड बहुत खराब हो गई। मतलब ये अंदर गुड़गांव की अच्छी, बट जब आप मानेसर पहुंचोगे ना पूरी रोड बिल्कुल घटिया कर दी यार। थोड़ा काम करते रहना चाहिए यार, इतना रेवेन्यू आता है इस रोड पे, इतना ट्रैफिक है, बट स्टिल ये काम नहीं हुआ। ओ भाई हो अरे, कैसे प्यार से चलती हैं ये बाइक्स। कोई ना, अपने को तो माइलेज निकाल रहा है। जयपुर 219 के बाद मन होता सीधा जयपुर निकल जाए, मौसम अच्छा हो रखा है, सर्दियाँ तो थोड़ा घूमने मिल जाएगा। जल्दी नई राइड प्लान करते हैं। तो फाइनली शुभम की बाइक हमने डाल दिया यार इंश्योरेंस क्लेम में। और मतलब फिर से मैं ये बोलूँगा, मैं पिछले कई व्लॉग्स में बोल चुका हूँ कि यार कई बार ना छोटी मोटी गलतियाँ ही मतलब काफ़ी नुकसान पहुँचा देती हैं। अब आप ये सोचो, बाइक तो चलो जो भी टूटा कोई दिक्कत नहीं है, फिर से नई लग जाएगी, नया आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो जो स्कूटी वाले ने ऐसे टक्कर मारी, अगर वो थोड़ा सा भी राइट की तरफ होता तो शुभम के पैर पर सीधा इम्पैक्ट आता। तो ये चीज़ें थोड़ा दिमाग में रखनी चाहिए बाइक चलाते समय यार, मैं बार बार बोलता हूँ। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ना मैंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देख लिए हैं जिसमें लोगों को चोट लग गई है या लगते लगते बची है, मेरे साथ भी एक आध बार हुआ। तो आप लोग यार पूरी सेफ्टी रखो, पूरा प्रिकॉशंस रखो। ये वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ था कि मैं आपको एक बार और बताऊँ। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सब सही चल रहा होता है ना तो हम थोड़ा भूल जाते हैं, तो वो नहीं करना है यार। अपनी सेफ्टी रखो, अपना लेग गार्ड, अपने सारे जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं वो पहन के चलो अच्छे से, क्योंकि कब यार क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। और बाइक में तो यार हमेशा रिस्क ज़्यादा रहता है गाड़ी से। तो यही बोलना था यार, बाकी और बताओ कैसा चल रहा है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। और ट्रिप यार प्लान कर रहे हैं, ऑफिस से जुगाड़ लगा रहे हैं छुट्टी लेने का, तो जैसे ही मिलती है वैसे ही निकल लेंगे ट्रिप पे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, एंजॉय।